नहीं, मेरा प्लान कभी नहीं था. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं बॉम्बे भी बिजनेस के लिए आया था. बिजनेस के सिलसिले में सी, मेरे लिए इंडस्ट्री कुछ नहीं मैटर करता यार. जो मेरे दिल के करीब हैं वो सभी मेरे दोस्त हैं. माय नेम इज इशू. चंडीगढ़, 8 नवंबर 1995. CAC, MBA. पैशनेट मजदूर. देखो मैं सबके करीब हूँ, सबके करीब हूँ. मेरे लिए कोई वो मतभेद नहीं है किसी के लिए. आई वांट टू बी अ स्टार. नहीं, मेरा प्लान कभी नहीं था. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं बिज़नेस कर रहा था और मैं बॉम्बे भी बिज़नेस के लिए आया था. बिज़नेस के सिलसिले में मसला ये हुआ कि जब मैं इधर बॉम्बे आया कुछ सर्टन सिचुएशंस हुई थी जिसके वजह से मैं इधर आया और मैंने सॉफ्टवेयर बेचना शुरू किया यहाँ पे. तो बाय चांस कहीं ना कहीं मैं उस एरिया तक पहुँच गया जहाँ पे ऑडिशंस चलते थे. तो किसी ने बोल दिया भाई तेरा लुक जा रहा है. तो वहाँ से फिर इस चीज़ का सिलसिला शुरू हुआ एड्स का. हालाँकि मेरे पहले ऑडिशन में मेरे पैर बहुत कम कपकपाए थे तो, बट कहीं ना कहीं फिर जब मुझे पहली ऐड मिली तो 15,000 जब मुझे मिले पहली ऐड के तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि भाई जो सॉफ्टवेयर में 30,000 का बेचता हूँ एक साल के टेन्योर के लिए वो 15,000 मुझे एक दिन में मिल रहे हैं. सो इट इज रियली नाइस. एंड कहीं ना कहीं देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसों के लिए मैंने करा एक्टिंग शुरू, बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि आपको क्लैरिटी नहीं होती. कैसे कहते हैं ना कि आपको ज़िंदगी में एक बार अवेकनिंग होती है कि आपको पता चल जाता है ओके आपका आप पैदा इस चीज़ के लिए हुए, ये चीज़ प्रूव करने के लिए या फिर ये चीज़ देने के लिए फील करने के लिए हुए हो या फिर ये आप करने वाले हो इस दुनिया के लिए. बट वही चीज़ हुई कि मे बी अट्रैक्शन पैसों की वजह से हुआ या बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है बहुत कि आप अच्छे दिख रहे हो स्क्रीन पे आ रहे हो आप स्टारडम है इस चीज़ की वजह से हुआ. बट लेकिन मैं बताऊँ मैंने 8 करियर अपने बदले हैं. बिजनेस ही थे. मैं सॉफ्टवेयर में भी था, मैं नेटवर्किंग में भी था, मैं डिज़ाइन में था, इवेंट्स में था, हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में था, मैं बहुत सारे बिजनेस में था, होर्डिंग्स में था. एक रेस्टलेसनेस जो होती है वो हमेशा थी. बट एक्टिंग में जैसी पहुंचा वो मुझे 2-3 महीने बाद पता चला. द मोमेंट आई स्टार्टेड फेसिंग कैमरा आई स्टार्टेड लाइकिंग इट. और जो बचपन की ख्वाहिशें थी ना मेरी स्टार बनना कि मुझे स्टार की बहुत आगे की बात बोल दी मैंने कि मतलब मैं अभी ऐसा नहीं है. जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे कुछ भी सोचते हैं, वो तो कहते हैं मैं एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहता हूँ. तो मैंने ऐसे ही सोच लिया था. तो मैं अच्छा दिखना चाहता था. मैं बचपन से ही बालों में बहुत ज़्यादा फोकस था, शक्ल पे बहुत ज़्यादा फोकस था. मेरे पापा बोलते थे कि अपना मुंह मचमका, मुंह चमकाने से पैसे नहीं मिलते. तो कहीं ना कहीं बचपन वाली चीज़ें जब बड़े होकर आई तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं ये है कि यहाँ पर आई फील माई सेल्फ कम्प्लीट एंड आई रियली वॉन्ट टू कंटिन्यू इट एंड आई हैव नो बैकअप. आई एम हेयर टू बिकम एन एक्टर. आई एम दिस ओनली. और लोग पूछते हैं आपके पास तो बैकअप है CSE MBA. मैं जनरली बोलूँ मैंने CSE की डिग्री भी नहीं ली थी. मतलब कि जस्ट लाइक कि अभी मैंने डिग्री उठाई है, पता नहीं उठाई भी है कि नहीं, मेरे मम्मा ने ली भी है कि नहीं वो डिग्री, बिकॉज मैंने डिग्री भी नहीं ली थी बॉम्बे आने से पहले. बॉम्बे मतलब बॉम्बे आने के बाद भी एक साल हो गया था कि मैंने डिग्री नहीं ली थी. या मेरे टेलीविजन में ज़िंदगी मेरे घर आना स्टार प्लस जमा अभी सर का शो राइब सिद्दीकी जी डायरेक्टर थे. कोई नहीं है फेवरेट मेरा. सी आई टेल यू मुझे कुछ लोग अच्छे लगते हैं. फेवरेट एक्टर तो नहीं कहूँगा बट मुझे विल स्मिथ अच्छा लगता है, अच्छे लगते हैं और टॉम क्रूज अच्छा लगता है और इंडियन सिनेमा के अंदर मुझे इरफान खान अच्छे लगते हैं. दैट्स इट. और शाहरुख खान इज लाइक एज अ आइकॉन. सलमान खान शाहरुख खान तो सबके फेवरेट हैं ही, बट कहीं ना कहीं उनका सेंस ऑफ स्टाइल जो है वो मुझे अच्छा लगता है. द वे दे कैरी देमसेल्व्स, जो ऑरा है, एक्टिंग वाइज नहीं बोल रहा हूँ ऑरा वाइज बोल रहा हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है. ग्रीन थाई करी एंड बंगाली कुजीन आई लव द मोस्ट. डियोर परफ्यूम्स में डियोर समर. परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड हाचिको, 2 मूवीज. 5/11 9/10 आई डोंट नो, डिपेंड्स अपॉन द कंट्री. एंग्री लव आई एम ऑलवेज शूटिंग रनिंग. आई लव सीइंग माई सेल्फ ऑन स्क्रीन. प्लस स्क्रीन पे आने के लिए जो मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ता है वो हेल्प करता है मेरा रनिंग के थ्रू.
सो कभी आई टोल्ड यू आई हैव नॉट एंगर इश्यूज़, बेसिकली आई एम अ वेरी इमोशनल गाय. सो मुझे गुस्सा भी आता है, मैं उदास भी होता हूँ, मैं खुश भी होता हूँ. सो वो क्या फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए रनिंग है. रात को रनिंग की जाती है, फिर सुबह काम किया जाता है शूट. ऐसे ये सब लोग ही बता सकते हैं मुझे. कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा. ये है फेवरेट एक्ट्रेस मोनिका बेलुची. सोनू निगम एंड पापोन. हॉटस्टार अभी तो जिसपे हमारे एपिसोड्स आते हैं गुड़ से मिठाई के 7:30 बजे स्टार भारत पे जो आता है. आई यूज पुराने ओल्ड स्कूल एमोजीज डॉट एंड जो ब्रेस ब्रैकेट्स होते हैं ना, तो वैसे वाले मैं बनाता हूँ, लाइक डॉट लगा के एंड देन कॉलन कॉमा, वैसे वाले एमोजीज आई यूज. आई डोंट यूज मेजरली, आई डोंट यूज दैट. जो नए वाले एमोजीज हैं स्माइली, बेसिकली इफ़ यू वॉन्ट द नेम ऑफ इट स्माइली. लायन ना, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा, बट मैं कभी जा नहीं पाया उधर. तो मेरा इस बार था मौका जाने का, बट अभी वो थोड़ा ऊपर ही चल रहा है. बट मैं यूट्यूब पे बहुत ले चुका हूँ टूर उसका. आई वांट टू गो टू न्यूयॉर्क. जैकेट्स, आई हैव 1-3 टी शर्ट्स, आई हैव 2 जीन्स, बट आई हैव 32 जैकेट्स. सी, मेरे लिए इंडस्ट्री कुछ नहीं मैटर करता यार. मैं जनरली बोलूँ दोस्त है, मैंने कभी भी कैटेगराइज नहीं करा किसी को. मेरा दो ही दोस्त हैं और बाकी जितने भी हैं मेरे, देखिए दो दोस्त नहीं कहूँगा, दो दोस्त हैं जो बेस्ट फ्रेंड हैं, और जो मेरे दोस्त हैं वो मैं ऐसे इंडस्ट्री में स्पेसिफिक नहीं करता. यहाँ जो मेरे दिल के करीब हैं वो सभी मेरे दोस्त हैं. और बेस्ट फ्रेंड तो जो बचपन से, उनको मैं बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ. दोस्ती का तो वक्त के साथ साथ ही पता चलता है कि कितने सखे हैं कितने सखे नहीं हैं आपके. वैसा पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ. लाइक ये पत्राली हैं जो पीछे बैठी हैं, घुमाइए. सो और पंखुड़ी अवस्थी रोडे एंड और है अभी और कौन है मेरा, लेकिन ये दो लोग हैं जिनके लिए जेन्युइनली कनेक्टेड हूँ मैं. और मीरा भी है, मीरा देवस्थड़े. और ज़्यादा मैं बात और किससे करता हूँ, बाकी तो एवरीवन इज़ लाइक सो स्वीट सो लवली. बट इन लोगों को मैं अपना दोस्त कहूँगा. विशाल चौधरी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्वीटेस्ट किड अराउंड हेयर. सो या एंड मेरा रौनक रावत इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आशीष शर्मा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चंडीगढ़. एंड या सबसे टॉप पे मेरी मम्मी, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी बहन. या सबका नाम ले लिया, सबका कॉन्ट्राडिक्ट कर दी मैंने अपनी स्टेटमेंट, है कि नहीं. बट या सब भाई बंधु हैं मेरे. मेरा फ़ोन, अभी मैंने गाड़ी ली है तो गाड़ी की चाबी और कॉफी. वो तो फिर उन्हीं को बताऊंगा ना आमने सामने, बट जनरली आई एम कमिटेड. भाई देखो सुखी रहो, भगवान करे सद्बुद्धि मिले सबको. और देखिए शो चले ना चले, कोई मूवी हिट हो ना हो, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, बिकॉज आप ही ऑडियंस हैं हमारे. और आप जितने सुखी रहेंगे उतने ही सुखी हम भी रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है. हम एक्टर्स का क्या होता है कि इसी आप हमारे फ़ैन तो बन जाते हैं, लेकिन आपकी वजह से हमें अगला भी काम मिलता है. और हम चाहेंगे कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें. अगर आप हेल्दी रहेंगे, आपका परिवार हेल्दी रहेगा, आपको वक्त मिलेगा हमारे ये जो हम कर रहे हैं शूट आपको देखने का. और आप जब देखेंगे तो हमारी लाइफ भी सुधरेगी, अच्छी होगी और हम मेहनत कर पाएँ खुद पर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बींग देयर विद अस एंड थैंक यू वेरी मच इन एडवांस कि आप आगे भी हमें ऐसी सपोर्ट करते रहें. थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर हैविंग मी हियर एंड यू आर वॉचिंग क्लिट्स विजन USA.